हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, हर एक पर्सन बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हेयर फॉल बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहा है, जिसकी की वजह से बाल पतले और महीन हो गए हैं। बालों की क्वालिटी बहुत बेकार होती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे बाल जो पतले और महीन हो गए हैं, हम उनको कैसे साफ़ रखें, कैसे उनकी केयर करें। क्योंकि जो महीन और पतले बाल हैं वो उलझते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कि हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं कुछ सिंपल से टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम कैसे उन बालों को शैम्पू करें, कैसे उनकी केयर करें, ताकि जो एक डैमेज प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है वो बढ़ते ना चला जाए। समहाउ हम उसको वहीं के वहीं रोक सकें एंड उसके बाद हम उसे आगे बढ़ने की सोचें कि हम कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब भी हमें शैम्पू करना है अपने बालों को, उससे पहले हम एक, जिसको कि हम कहेंगे प्री कंडीशनिंग, हम अपने बालों में तेल से मसाज करें। ठीक है, जो भी तेल हम अपने बालों में लगाते हैं, चाहे हम कोकोनट ऑयल लगाते हैं, चाहे हम एलमंड ऑयल लगाते हैं, चाहे हम ओलिव ऑयल लगाते हैं, या हम मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, जो भी ऑयल हम अपने बालों में लगाते हैं, सभी ऑयल की अपनी एक क्वालिटी है। सब ऑयल्स बहुत अच्छे हैं। तो हम उनको हल्का सा गर्म करें, थोड़े जब गर्म हो जाएं तो अपनी फिंगर टिप की हेल्प से बालों में स्कैल्प पे स्पेशली अप्लाई करें एंड फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मसाज करें पूरे हेड की। तो और उसको मसाज करने के बाद अराउंड 5 से 7 मिनट हम मसाज करें एंड बालों की लेंथ पे भी ऑयल को लगाएं। खूब कस के रब नहीं करना है ताकि वो बाल टूटें, ऐसा नहीं करना है। बहुत सॉफ्टली हमें ऑयल अप्लाई करना है और इसको 1 घंटा करीब हम बालों में लगे रहने दें। उसके बाद हम उन्हें शैम्पू करें। अब ये हमारी प्री कंडीशनिंग हो गई, हमने 1 घंटा बालों में ऑयल को रखा, तो उससे क्या होगा, ऑयल जो है वो हमारी रूट्स में अंदर जाएगा, करेक्ट। तो हमारे बालों को एक कंडीशनिंग मिलेगी अंदर से। अब दूसरी चीज़, जब हम शैम्पू करने चले अपने बालों को, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारा वो पानी कैसा होना चाहिए जिससे हम अपने बालों को शैम्पू कर रहे हैं। वो कभी भी गर्म पानी नहीं होना चाहिए। गर्म पानी क्या करता है कि एक तो बालों के मॉइस्चर को निकाल लेता है बिल्कुल, और साथ में जो हमारी स्कैल्प है, जो हमारी खोपड़ी है, उसको वो ग्रीसी बना देता है और ऑयली बना देता है, जिसकी की वजह से जो बाल हमारे ऑलरेडी थिन और महीन हो चुके थे वो बिल्कुल चिपके चिपके हो जाते हैं और एक फ्लैट लुक आ जाता है हेयर्स का हमारे। गर्म पानी हमारे बालों को बहुत डैमेज करता है। तो अगर विंटर्स का टाइम है तो भी हमें ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना सा पानी। एंड जब सीज़न हमारा समर का है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पानी यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा हमारे बालों की हेल्थ के लिए। अब जो इससे नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है शैम्पू। शैम्पू कैसा होना चाहिए हमारा? हमारा शैम्पू सभी केमिकल वाले शैम्पूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम बहुत माइल्ड शैम्पू लें, बहुत ज़्यादा झाग वाला ना हो। एंड वहाँ ये देखें कि वो शैम्पू हमारा सल्फेट फ्री हो, राइट। हमें शैम्पू कभी भी सीधा प्लंजर की हेल्प से या बॉटल से डायरेक्ट हमने लिया और वो जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम सीधे सर पे ना लगा लें। हमें क्या करना है, पानी में उसका मिक्सचर बनाएं एक, और फिर उस मिक्सचर को पानी के साथ जो हमने एक सल्यूशन बना लिया उसको अपने बालों पे लगाएं, और लगाने के बाद क्या करना है, फिंगर टिप से स्कैल्प की मसाज करें, जिससे क्या होगा कि एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा, जो फॉलिकल्स हैं जहाँ पर बालों की रूट है वो एक नरिशमेंट मिलेगा बालों को, और हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। हम जब रिंस कर रहे हैं बालों को, शैम्पू को निकाल रहे हैं, तो अच्छे से उसको क्लीन करें, बालों में शैम्पू रह ना जाए। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आया वो आया कंडीशनिंग का, कि हमें अपने बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशन भी ज़रूर करना चाहिए। और वो कंडीशनर हमें कैसे अप्लाई करना है, वो स्कैल्प पे ना लगे हमारे, वो बालों की लेंथ पे लगे, सिर्फ बालों की लेंथ पे इस तरह से लगाएं कि ऑलमोस्ट सभी बाल कवर हो जाएं हमारे, और अराउंड हम 10 मिनट्स
5 to 10 मिनट्स उन्हें बालों पे रहने दें एंड उसके बाद प्लेन वाटर से उसको रिंस कर दें, धो दें और अच्छे से उस कंडीशनर को निकाल दें। अगर वो हमारे बालों में रह जाएगा तो वो डैमेज ही करेगा हमारे बालों को, राइट। तो हमें कंडीशनिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको कुछ डेफिनेटली कुछ घर में बनाने वाले कंडीशनर भी ज़रूर डिस्कस करूँगी आपके साथ। और हेयर मास्क के ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आगे भी मुझे काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं एलोवेरा से रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। तो कंडीशनर हम बात कर रहे थे अभी, कंडीशनर हम ज़रूर अप्लाई करें। अब कंडीशनिंग के बाद जब हमारे बाल धुल गए तो हमें बहुत टाइटली उन्हें नहीं बांधना चाहिए, हम जिस टॉल में उसको बांध रहे हैं। और सुखाने के लिए हमें क्या करना है कि अगर विंटर्स का टाइम है या धूप में हम बैठ सकते हैं थोड़ी देर, तो हम नेचुरल सनलाइट में ही अपने बालों को सुखाएं या फ़ैन के नीचे सुखाएं। हम बिल्कुल भी हेयर ड्रायर्स का यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो हमारे बालों के मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है एंड रूट्स को वीक कर देता है। तो उनको नेचुरल तरीके से सुखाएं। तो ये आज की वीडियो में मैंने बहुत सिंपल से टिप्स आपको दिए हैं, जिनको कि जानते हम सभी लोग हैं, लेकिन सम हाउ उन्हें हम निग्लेक्ट कर देते हैं और जिसका कारण होता है कि हमारा हेयर फॉल बढ़ते चले जा रहा है, हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। आई थिंक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीक में एक बार मैं ज़रूर लाइव चैट करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ उनकी क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।